सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस, रियलमी की 10 सीरीज आने वाली है, बहुत जल्दी चाइना के अंदर लॉन्च हो जाएगी और उसके बाद इंडिया के अंदर भी ये बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे रियलमी 10 प्रो प्लस है उसकी डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ये जो फ़ोन है ये डिस्प्ले सेंट्रिक होने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और कुछ हद तक ये आपको सैमसंग के जो एच सीरीज आती थी ये उसकी याद दिलाएगा, क्योंकि इसकी जो साइड की जो डिस्प्ले है वो एच देखो कर्व है। यहाँ पर इसकी जो डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे उसी के बारे में। रियलमी 10 प्रो प्लस इसकी डिस्प्ले में के अंदर हमें क्या नया देखने को मिलेगा, क्या खास है, क्योंकि जैसा इसकी स्पेसिफिकेशन से देखने को मिल रहा है तो इस बार एक्चुअल में रियलमी ने जो है कुछ नया इंप्रूवमेंट किया है डिस्प्ले के मामले में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसकी जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी तो आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो ये है Realme चाइना पे जो इसका लॉन्च पेज है, वहां पर इसकी जो ऑफिशियल प्रोडक्ट इमेजेस हैं ये यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2.3 mm की जो है वो अल्ट्रा थिन चिन है, और यहाँ पर देखो COP लिखा हुआ है अल्ट्रा। उसके बाद यहाँ पर 60 डिग्री का जो है वो एज है डिस्प्ले में। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, तो देखो 120 हर्ट्ज की जो है रिफ्रेश रेट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर और नई खास चीज है COP, देखो चिप ऑन प्लास्टिक। तो यहाँ पर एक ये नई टेक्नोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है जिसमें है स्क्रीन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर डिस्प्ले किस टाइप की होती है तो आने वाले टाइम के अंदर ही पता लगेगा, लेकिन COP यहाँ पर इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी है। उसके बाद है 10 बिट कलर डिस्प्ले है, तो यहाँ पर डिस्प्ले आपको बिल्कुल लेटेस्ट और एक टॉप ऑफ द लाइन डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद है 1 बिलियन प्लस कलर्स हैं, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, और डेफिनेटली ये एमोलेड स्क्रीन है। 61 डिग्री का स्क्रीन कर्व है, ये जो डिस्प्ले का जो कर्व है ये यहाँ पर 61 डिग्री का है। और यहाँ पर चिन देखो 2.33 mm की जो है वो अल्ट्रा थिन चिन है, ये देख सकते हो थिनेस्ट चिन है, थिनर देन सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। तो यहाँ पर इस मामले में इन्होंने सैमसंग को भी बीट कर दिया है। उसके बाद है सेल्फ डेवलप्ड एक्स टच एल्गोरिदम टू अवॉइड एक्सीडेंटल टच फॉर कर्व्ड स्क्रीन। तो यहाँ पर देखो कर्व डिस्प्ले है तो फिर एक्सीडेंटल टच भी होते ही रहते हैं, तो उससे बचने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक ये एल्गोरिदम भी मतलब इंट्रोड्यूस करी है इस फोन के अंदर। तो ये प्रॉपर जो है वो डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन रहने वाली है रियलमी 9 प्रो प्लस की, जो एक्चुअल में लगता है भाई इस बार इनोवेशन तो किया गया है और सच में इंप्रूवमेंट है। अगर हम इसे रियलमी 9 प्रो प्लस से कंपेयर करें उससे तो भाई वे बेटर जो है यहां पर इंप्रूवमेंट इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। मेन बात ये रहने वाली है कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है, क्या ये अंडर 30,000 रहेगा, तो वो आने वाले टाइम के अंदर पता लगेगा। तो बने रहो चैनल के साथ, जैसे जैसे इसकी अपडेट्स आती रहेंगी तो आपको उसकी वीडियो भी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।